इंडोनेट में बेसिकली होता ही है कि हमारा जो इंडोनेट रहता है कूलिंग कॉइल, उसमें एक बर्फ़ का सिल्ली बनता है अंदर के साइड में। दोपहर का टाइम में चलवा रहे हो 12 बजे तक में या फिर 2 बजे तक में चला रहे हो इसी को, तो उस समय आप नोटिस करोगे कि आपको ड्रेन लाइन का पानी है वो उस समय नहीं आएगा। अगर आपके भी घर पे एसी लगा हुआ है और उसका ड्रेन लाइन का जो पानी होता है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो से बताने वाला हूँ कि किस कारण से वो वाटर ड्रेन नहीं हो पा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैनल पर नहीं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला चीज़, अगर आप एक नया एसी लगाते हैं, नया एसी लगाने के बाद जो एसी प्रॉपर तरीके से काम करता है उसमें जो ड्रेन लाइन का पानी होता है वो 100% आएगा। जो एसी अंदर कूलिंग करेगा प्रॉपर तरीके से रूम में, उसका ड्रेन लाइन से पानी 100% आना है। और जिन लोगों का एसी लगने के बाद पानी नहीं आ रहा है, तो भाई उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें 2-3 कारण का होता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले नए एसी के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पुराने एसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि पुराने एसी में भी क्यों पानी नहीं आ पाता है। लेकिन सबसे पहले आप नए एसी के बारे में समझ लें, क्योंकि ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो एसी लगता है और एसी लगने के बाद आप नोटिस कर रहे हो सप्ताह भर चलाने के बाद कि इसका जो आउट पानी करता है वो ड्रेन लाइन से पानी नहीं आ पा रहा है। पहला कारण, अगर कहीं जाम वगैरह हो, बेसिक चीज़ होता है ये, जो ड्रेन लाइन का पानी जाम हो तो उस कारण से भी और जो हमारा पानी होता है आउटपुट का वो नहीं आ पाता है। लेकिन जब पानी आउटपुट में नहीं आएगा तो आपका इंडोर यूनिट से पानी टपकेगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें समझ में आता है कि आउटपुट में जब पानी नहीं निकलेगा तो हमारा जो इंडोर यूनिट है वहाँ से पानी गिरना चालू हो जाएगा, कभी भी जाम वगैरह होता है ड्रेन लाइन में। तो सेकंड चीज़, अगर आपका पानी इंडोर यूनिट से भी सामने नहीं गिर पा रहा है, प्लस जो हमारा आउटडोर यूनिट का जो पाइप होता है ड्रेन लाइन का, उससे भी पानी नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है उसमें क्या होगा। आपका कहीं ना कहीं गैस लीकेज का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं उसमें गैस कम होगा, क्योंकि प्रॉपर अगर गैस रहेगा तो कूलिंग प्रॉपर आपको मिलेगा। अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो ड्रेन लाइन का पानी हो रहा है उसी कारण से नहीं आ पाएगा। अगर रूम में प्रॉपर कूलिंग मिलेगा, गैस प्रॉपर रहेगा, तभी आपका ड्रेन लाइन से पानी जाएगा। अगर कहीं ऐसा भी होता है कि हमारा गैस भी प्रॉपर है, कूलिंग भी सही कर रहा है, लेकिन ड्रेन लाइन का पानी वहाँ पे जो होता है वो नहीं निकल पा रहा है, तो इस कंडीशन में ये होता है कि जब हमारा एसी जो लग रहा है, क्योंकि R32 गैस अभी आ रहा है और 410 ज़्यादातर नोटिस हमें यही चीज़ को देखने को मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप वैक्यूम करके एसी को नहीं इंस्टॉल करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ड्रेन जो पानी होता है वो इस कारण से भी नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो कूलिंग सिस्टम होता है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पा रहा है। प्रॉपर कूलिंग अगर नहीं मिलेगा तो इस कारण से ही हमारा जो ड्रेन लाइन का पानी होता है जो आउटपुट करता है वो नहीं आ पाएगा। तो वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नए एसी में वैक्यूम प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगा, और कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगा तो हमारा जो ड्रेन पाइप से पानी जाता है वो नहीं आ पाएगा। ये हमारा न्यू एसी का सिस्टम है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पुराने एसी की तरफ। बहुत घर में ऐसा होता है कि जो हमारा पुराना ओल्ड एसी वो खुल करके दूसरा जगह फिट हो रहा है, या फिर आप पुराने एसी को परचेस किए, पुराने एसी परचेज करने के बाद फिटिंग वगैरह करा ली, एसी को चालू किया और हमारा कूलिंग कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट का पानी होता है ड्रेन लाइन का वो पानी नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर समझना ये है कि कहीं पर भी खुल करके जब दोबारा फिट होता है तो उस सिचुएशन में भी वैक्यूम इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्यूम करके आप नहीं करोगे तो उसमें भी क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि कूलिंग करा ली वो, लेकिन वो आपको जो प्रॉपर कूलिंग होता है वो नहीं आ पा रहा है। क्योंकि प्रॉपर कूलिंग आएगा तो आपका जो पानी होता है ड्रेन लाइन का वो आना है, मतलब आना है। सेकंड चीज़ आता है कि कोई भी एसी में अगर गैस लीक होता है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एसी में गैस लीक कर चुका है, अब हम लोग गैस चार्जिंग करवा रहे हैं। गैस चार्जिंग कराने से पहले आपको वैक्यूम करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि वैक्यूम बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एसी के लिए। अगर आपका ड्रेन लाइन में पानी चाहिए, मतलब जो पानी आउटपुट करता है वो नहीं आ रहा है, तो भाई वैक्यूम नहीं हुआ प्रॉपर। अगर वैक्यूम प्रॉपर आप करके एसी का गैस चार्ज करवाओगे तो आपका जो पानी होता है ड्रेन लाइन का वो 100% आएगा। और पानी आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी इंडोर यूनिट में बेसिकली होता ही है कि हमारा जो इंडोर यूनिट रहता है कूलिंग कॉइल, उसमें एक बर्फ़ का सिल्ली बनता है अंदर के साइड में, जो हमें दिख नहीं पाता वो इंटरनल अंदर रहता है। और जो हमारा ब्लोअर रन करता है, वो ब्लोअर क्या करता है, वो हवा का फ्लो को डायरेक्ट बर्फ़ का सिल्ली में मारता है, उसके थ्रू हमें ठंडा हवा महसूस होता है, वो ठंडा हुआ हमें मिलता है। तो जो बर्फ़ का लेयर रहता है वो जब गलता है तो हमारे ड्रेन लाइन में जाता है, और ड्रेन लाइन में होते हुए डायरेक्ट हमारा पानी बाहर निकल पाता है। तो कभी भी आपका प्रॉपर अगर कूलिंग नहीं करेगा तो प्रॉपर आइस नहीं जम रहा, और प्रॉपर अगर आइस नहीं जमेगा तो आपका जो ड्रेन लाइन का जो पानी होता है वो भी नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग गैस चार्जिंग करवाते हैं या फिर नया एसी लगवाते हैं तो उस सिचुएशन में आप अगर वैक्यूम करके काम करवाओगे तो आपका ड्रेन लाइन का जो पानी रहेगा वो तो आएगा ही, प्लस आपको कूलिंग भी बहुत अच्छा देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जिसके वजह से आपको ये जानने में समझ में आ पाया होगा कि हमारा जो ड्रेन लाइन का पानी होता है वो क्यों नहीं आ पाता है। ये सब चीज़ भी बहुत सारे चीज़ में मैटर करता है कि अगर आप शाम के टाइम में चलाओगे तो शाम के टाइम में आपको कूलिंग भी ज़्यादा लगेगा,
प्लस आपका हो सकता है उस सिचुएशन में आपका पानी ड्रेन का जाए। लेकिन अगर आप दोपहर के टाइम में चलवा रहे हो 12 बजे तक में या फिर 2 बजे तक में चला रहे हो एसी को, तो उस समय आप नोटिस करोगे कि आपको ड्रेन लाइन का पानी है वो उस समय नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं वैक्यूम का प्रॉब्लम है या फिर सेकंड चीज आपका गैस का प्रॉब्लम है। ये दो कारण की वजह से हमारा जो ड्रेन पाइप से जो पानी होता है वो नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट था समझना है, इसी कारण से मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ पाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।